नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। कल आज बात होगी कत्ल की एक ऐसी वारदात की जिसने मध्य प्रदेश को हिला दिया है। इंदौर में बैग में महिला का शव मिला, ऋषिकेश में मिले महिला के हाथ पैर। इस दहला देने वाली मर्डर मिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ में बेहाल अस्पतालों का हाल भी आपको दिखाएंगे। बात रायसेन में आए हिट एंड रन के मामले की भी होगी। दिखाएंगे कैसे छतरपुर में एक पत्नी के लिए दो पतियों के बीच संग्राम छिड़ गया। देश की सबसे महंगी सब्जी क्या है ये भी आपको बताएंगे। और दिखाएंगे कैसे जेसीबी ने टोल पर किया बवाल। इंदौर टू ऋषिकेश, यहां 6 टुकड़ों वाली लाश एक पहेली बन गई है। एक लड़की का बेरहमी से कत्ल किया गया, लाश के 6 टुकड़े किए गए, वो भी इत्मीनान से। उस साइको किलर ने पुलिस को गुमराह करने के लिए दो अलग अलग ट्रेन में लाश के टुकड़े रखे। इंदौर में धड़ मिला, दूसरा हिस्सा मिला और 1000 किलोमीटर दूर ऋषिकेश में ट्रेन में मिले लाश के हाथ और पैर। आखिर मरने वाली वो कौन थी? क्या टैटू से खुलेगा 6 टुकड़ों वाले शव का राज? लक्ष्मीबाई नगर से ऋषिकेश जाने वाली एक उज्जैनी एक्सप्रेस है, वहाँ परसों शाम को मतलब रविवार की शाम जब वो ऋषिकेश में पहुँची और ट्रेन खाली होने के बाद में जब यार्ड में गई वहाँ पर, तो सफाई के दौरान S1 S2 कोच के बीच वाली जो कपलिंग होती है उसमें टॉयलेट के पास में जैसे यहाँ बोरी में पैक किया हुआ बॉडी का पार्ट मिला था, वैसे उस बोरी में पैक हो के और शॉल में लिपटा हुआ दो हाथ और दो पैर वहाँ पर मिले। छह टुकड़ों वाली लाश इंदौर पुलिस के लिए एक पहेली बन गई है। किसी भी थ्रिलर सस्पेंस फिल्म को मात देता एक शातिर किलर जो पुलिस को चकमा दे रहा है। मिनी मुंबई यानी इंदौर में शनिवार की रात को महू इंदौर नागदा पैसेंजर ट्रेन महू से इंदौर पहुंची। वक्त था रात के 10 बजे। यार्ड में गाड़ी गई, सफाई के दौरान जो तस्वीर सामने आई वो रोंगटे खड़े करने वाली थी। इस ट्रेन में काले बैग में और पोरी में 2 टुकड़ों में लाश मिली। हैरानी ये थी कि इस लाश के हाथ पैर गायब थे। परसों का जो अपने यहाँ का घटनाक्रम था, इसकी खबर जब मीडिया के माध्यम से पूरे देश में सर्कुलेट हुई तो देहरादून GRP ने भी इस खबर को वहाँ पर पढ़ा था कि एक बॉडी मिली है जिसमें हाथ और पैर गायब है। महू इंदौर रूट को तलाशा गया, CCTV फुटेज खंगाले गए। सवाल ये भी था कि लाश के हाथ पैर कहाँ हैं? क्या हाथ पर कोई टैटू बना था जिससे मरने वाली लड़की की पहचान हो सकती थी? लाश फूल चुकी थी, यानी हो सकता है कि कत्ल 2 दिन पहले हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि इलेक्ट्रिक कटर से लाश को काटा नहीं गया था, आराम से लाश के टुकड़े किए गए ऐसे कि खून भी नहीं गिरे। तो लक्ष्मीबाई नगर से ऋषिकेश जाने वाली एक उज्जैनी एक्सप्रेस है, वहाँ परसों शाम को मतलब रविवार की शाम जब वो ऋषिकेश में पहुँची और ट्रेन खाली होने के बाद में जब यार्ड में गई वहाँ पर, तो सफाई के दौरान S1 S2 कोच के बीच वाली जो कपलिंग होती है उसमें टॉयलेट के पास में जैसे यहाँ बोरी में पैक किया हुआ बॉडी का पार्ट मिला था, वैसे उस बोरी में पैक हो के और शॉल में लिपटा हुआ दो हाथ और दो पैर वहाँ पर मिले। लाश के हाथ पर एक टैटू बना है, नाम लिखा है मीराबेन गोपाल भाई। इन दोनों ट्रेन का आखिर आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? शनिवार को दोपहर 3:25 पर उज्जैनी एक्सप्रेस रवाना हुई, यानी लाश के हाथ पैर पहले रखे गए। उसके बाद महू ट्रेन यार्ड में शनिवार की रात 10 बजे के बाद आई, तो क्या लाश के धड़ को रात में रखा गया था? आखिर वो शातिर कातिल है कौन? गुजरात, राजस्थान, MP में उस साइको किलर की तलाश जारी है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल है। राजनांदगांव में जिला अस्पताल से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक बदहाल है। कहीं पर्याप्त बेड नहीं है तो कहीं वेंटिलेटर ही खराब पड़ा हुआ है। बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं का ऐसा हाल है कि हाईकोर्ट को ही संज्ञान लेना पड़ गया।
छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हैं। राजनांदगांव के जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल का तो और भी बुरा हाल है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 20 बिस्तरों का SNCU है, जिसमें 30 से ज्यादा बच्चे एडमिट हैं, लेकिन यहां बच्चों की देखभाल का इंतजाम तक नहीं किया गया। के 2 वेंटिलेटर खराब है, इसकी सूचना दी जा चुकी है, ऊपर दी जा चुकी है, बनाने के लिए उसको बनाने के लिए इंजीनियर लोग आएंगे, तब बन जाएगा। SNCU में 18 बेड का बेड है, जिसमें 18 बच्चे लोग भर्ती होते हैं, भर्ती एक समय में किया जा सकता है, जो कि पीलिया, बर्थ पीलिया और बर्थ एस्फिक्सिया का और लो बर्थ करते हैं बच्चे लोग को। नहीं तो फिर हाँ 18 बच्चे वो कर देते फिर इधर। जिला अस्पताल का भी हाल यही है, यहाँ पिछले 3 महीने से 2 वेंटिलेटर खराब हैं। जिला अस्पताल में 18 बिस्तर हैं। यहाँ नवजात शिशुओं का आपातकालीन इलाज किया जाता है, लेकिन यहाँ वेंटिलेटर तक खराब हैं, जिससे अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ बच्चों की संख्या अधिक है और 33 से अधिक बच्चे यहाँ एडमिट हैं, और एक बच्चे के साथ 2 या 1 बच्चे को रखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं और बीमारी और भी गंभीर हो सकती है। वैसे ही हाल जिला अस्पताल राजनांदगांव का है, जहाँ पिछले 3 माह से 2 वेंटिलेटर मशीन खराब है और बच्चे यहाँ उपचार करा रहे हैं। यहाँ 18 बेड है और जहाँ बच्चों का इलाज चल रहा है, और यह न्यू बॉर्न केयर जो यूनिट है उसमें पीलिया, वजन कम होना और बच्चों की जैसे गंभीर कई बीमारियां होती हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। बात सिर्फ राजनांदगांव की नहीं है, प्रदेश के कई जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, और अब तो हाईकोर्ट को मामले में दखल देना पड़ा है। बिलासपुर में अस्पताल के फर्श पर प्रसव के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और अस्पताल व्यवस्था पर नाराजगी भी जताई है। हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के संचालक और कलेक्टर को नोटिस भेजा है। दारिमा के सरकारी अस्पताल में महिला ने फर्श पर बच्चे को जन्म दिया था, अस्पताल में डॉक्टर और नर्स तक मौजूद नहीं थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात करते हैं रायसेन की। रायसेन में हिट एंड रन का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां एक कार ड्राइवर ने मासूम बच्ची को टक्कर मार दी और उसकी मदद करने के बजाय मौके से भाग निकला। लोगों ने कार ड्राइवर को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, आप खुद देखिए। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। ब्रिज के नीचे से आती हुई ये लड़की सड़क पार कर रही है, तभी एक तेज रफ्तार कार आती है और बच्ची को टक्कर मार देती है। बच्ची कई फीट दूर जा गिरती है, लेकिन इसके बाद कार चालक ने जो किया वो भी हैरान कर देने वाला है। एक मासूम को टक्कर मारने के बाद वो इंसानियत भी नहीं दिखाता, कार रोक कर बच्ची की मदद करने के बजाय भागने की कोशिश करता है। ये तस्वीरें देखिए, टक्कर के बाद कार रुक जाती है। इस दौरान कुछ लोग भी मौके पर पहुंच जाते हैं और कार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कार चालक गेट खोलता भी है, लेकिन फिर फौरन कार का गेट बंद कर लेता है। मौके पर मौजूद लोग कार को रोक रहे हैं, लेकिन वो नहीं रुकता, कार लेकर फरार हो जाता है। हीट एंड रन की ये घटना रायसेन की है। ओबेदुल्लागंज में बच्ची ब्रिज के नीचे से सड़क पार कर रही थी, उस दौरान कार ने इसे टक्कर मारी। गनीमत रही कि हादसे में बच्ची को मामूली चोट आई, उसकी जान बच गई, लेकिन कार चालक मदद करने के बजाय भाग गया। पुलिस आरोपी कार चालक की तलाश में जुटी है। दिनेश यादव, न्यूज 18, रायसेन। पति पत्नी के बीच वो आ जाए तो बवाल तो होना ही है। छतरपुर में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन यहां माजरा थोड़ा सा अलग है। यहां पति पत्नी के बीच वो नहीं, महिला का दूसरा पति आ गया। पहले पति ने जब ये देखा तो उसके बाद तो ऐसा संग्राम छिड़ा कि दंगल ही हो गया।
छतरपुर में 20 सड़क संग्राम छिड़ा है। दो युवक ऐसे भिड़ रहे हैं मानो दंगल चल रहा हो। तमाशबीनों की भीड़ लगी है, लेकिन ये इन्हें परवाह नहीं। अपनी पूरी ताकत लगाए हुए ये सामने वाले को पटखनी देने में जुटे हैं। पहलवानों की तरह कुश्ती की दांव पेच आजमा रहे हैं। इसी बीच एक महिला लड़ाई रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों इतने गुस्से में हैं कि एक नहीं सुन रहे। सुने भी आखिर क्यों, लड़ाई भी तो इस महिला की वजह से हो रही है। आप सोच रहे होंगे पति पत्नी और वो वाला मामला तो नहीं। बिल्कुल नहीं, ये मामला पति पत्नी और पति वाला है, नहीं समझे। दरअसल लड़ाई कर रहे ये दोनों युवक महिला के पति हैं। एक पहला पति है और एक वो पति है जिससे महिला ने बाद में शादी की। हम आए थे काम करने के लिए, सरकारी काम, इन्हें पूरे कागज छुड़ा लिए थे हमारे। हम दोबारा कागज बनवाने के लिए आए थे राशन कार्ड के लिए, तो इन्हें हमें देख लिया घरवाली को, हम दोनों फोटो पास कराने के लिए गए, इन्हें मार दिया और उसको भी मार दिया, हमें मार दिया हमारे घरवाली ने। अपना कोर्ट मैरिज भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। दो पति का मामला है। हाँ, आप कौन से पति होंगे, दूसरे नंबर के? हाँ जी। कब किया आपने कोर्ट मैरिज? हमने बताया जा रहा है कि चार बच्चों की मां अपने पहले पति को छोड़कर कई महीने से लापता थी, लेकिन एक दिन अचानक पहले पति ने अपनी पत्नी को उसके दूसरे पति के साथ देख लिया। फिर क्या था, पत्नी को महीनों बाद किसी और मर्द के साथ देखकर उसका गुस्सा भड़क उठा और उसने आओ देखा न ताओ सड़क पर ही भिड़ गया। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। नरेंद्र परमार, न्यूज 18, छतरपुर।